मौजूदा समय में डिप्रेशन एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ऐसी परिस्थितियों में माता पिता और परिवार निश्चित तौर पर बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अपने बच्चे के दोस्त बने, डिप्रेशन को दूर रखें। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। डिप्रेशन के दौरान अपने बच्चे को अच्छी तरह सुनने की और उसकी चिंताओं को समझने की जरूरत है, वो भी बिना किसी पूर्वाग्रह के। मोदी जी का मानना है कि इससे वो आप पर विश्वास कर अपने मन की पूरी बात करने में काफी आसानी महसूस करेगा। भारत जैसे देश में ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है। भारत की जो मूलभूत समाज रचना है उसमें इस प्रेशर को रिलीज करने की व्यवस्था है, सहज व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से समाज व्यवस्था में जो परिवर्तन आए, परिवर्तन तो आते रहते हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने स्थिति पैदा की। पहले हमारा जॉइंट फैमिली हुआ करता था और जॉइंट फैमिली होने के कारण बच्चा दो बातें पिताजी को नहीं कह सकता था, वो दादी माँ के आगे कह देता था, मन हल्का हो जाता था। दो बातें दादी माँ से कहता था लेकिन लगता था कि जरा माँ से पूछ लूँ तो वहां जाकर के, एक प्रकार से उसको एक अवसर मिलता था अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आज स्थिति ऐसी है कि एक्सप्रेशन के लिए कम, सप्रेशन के लिए ज्यादा, इस तरफ हम बढ़ गए हैं। और ये जो कुकर फट जाता है उसका मूल कारण यही है कि इस प्रकार की भाप भर जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, इसे बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। माँ बाप ने बच्चों के साथ उसकी रुचि के अनुसार खुलेपन से बातें करनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए वो हॉस्टल भी चला गया तो उसको विश्वास है कि इस परिस्थिति को मेरे माँ बाप को मैं बताऊंगा तो समझेंगे। लेकिन अगर आप कट ऑफ है और सिर्फ कितने मार्क्स आए, क्यों देर से आए, किसके साथ गए थे, फोन किस पे बात करे, इसी में लगे रहे तो एक ये कट ऑफ स्टेज बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है। बिल्कुल सही कहते हैं मोदी जी, तनाव और डिप्रेशन से निपटने का सबसे आसान तरीका है उस पर ध्यान देना। ज्यादातर मामलों में डिप्रेशन अचानक से प्रकट नहीं होता। अगर माता पिता सचेत हैं तो वो अपने बच्चे में इसके संकेतों को पहचान सकते हैं। मोदी जी बताते हैं कि ऐसे संकेत मिलने पर माता पिता को कैसे सहयोगी की तरह बर्ताव करना चाहिए। दूसरा, ये माँ बाप का जिम्मा है कि ये डिप्रेशन अचानक नहीं आता है, ये बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। कुछ एक होता है जो एक्साइटमेंट में कुछ कर दें वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर धीरे 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 वो लुढ़कता जाता है। जागरूक माँ बाप देखते कह रहे क्या बात है भाई, ये पहले तो बड़ा आग्रह करते थे, खाता नहीं था, अचानक बैठता है बस खाता ही रहता है, बात नहीं करता है, ये अचानक उसका वेट बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकली क्या हुआ है। तुरंत माँ बाप देखते भाई कुछ होगा, तब ये स्ट्रेस में है, कुछ ना कुछ ज्यादा खा रहा है, कभी सोता नहीं था दोपहर को, आज ऑफिस से आ गया अचानक सो गया, कमरे में चला गया तो मुंह ढंग करके बैठ गया, क्या कर रहा है। अगर उसको वो जागरूक अवस्था से लेते हैं और उसको उसी समय हैंडल करते हैं तो बाद में अगर बाहर जाता है तो। दूसरा, कहीं पर भी जाते हैं माँ बाप ने देखना चाहिए कि वहां किसी न किसी परिवार से उसको हम जोड़ सकते हैं क्या, बच्चे को जान पहचान वाले किसी से, उसके लिए थोड़ा खर्च करना पड़े तो खर्च करना चाहिए, और उनसे कहना चाहिए जरा भाई सप्ताह में एक दिन जब छुट्टी हो तो बच्चे को जरा घर बुला लेना, आप भी कभी हो आना, और बच्चे में अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो उसको एक धीरे धीरे एक नया परिवार मिल जाएगा। ऐसे समय में परिवार का समर्थन बहुत ही मायने रखता है, लेकिन मोदी जी आगे बताते हैं कि कैसे माता पिता को पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि ये उन्हें समझने में सहायता कर सकता है
कि अपने बच्चों की मदद कैसे करें, काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के प्रति सही धारणा को लेकर आगे बढ़ें। दूसरा, काउंसलिंग से हमने संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो माँ बाप को लगता है कि कहीं लीक हो जाएगा, तो किसी को पता चलेगा कि बेटे का काउंसलिंग चल रहा है, हम उससे इज्जत भी गंवाते हैं, बच्चा भी गंवाते हैं। कोई संकोच नहीं करना चाहिए, थोड़े से भी सिम्टम्स दिखते हैं हमने उसको काउंसलिंग करना चाहिए। बच्चे के साथ सही तरीके से बात करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसके भीतर की जो भी बीमारियां हैं उसको निकाल देते हैं। डिप्रेशन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे कई लक्षणों के साथ ही नजर आने लगता है। ऐसे में बच्चे पर नजर रखने के साथ साथ काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो बेझिझक काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। मोदी जी द्वारा बताए गए तरीकों से डिप्रेशन को मात दी जा सकती है।